कैसे हो दोस्तों? अभी आप खुद भी डेंटिस्ट के पास काफी बार गए होंगे, आपके बच्चों को भी लेके गए होंगे। अभी कभी भी कोई ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट होता है तो आखिरी इंस्ट्रक्शंस डेंटिस्ट का क्या रहता है कि भाई आप चॉकलेट मत खाना, मिठाई मत खाना, स्वीट चीज़ों से परहेज रखना। और ये सबको पता है कि इन चीज़ों से दांत खराब होते हैं, पर इन्हें न खाना बहुत मुश्किल है। हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कंट्रोल होता ही नहीं। तो अभी इसका उपाय क्या? अभी अभी के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके सबब क्या होगा कि आप भले ही कितनी भी चॉकलेट खाइए, मिठाई खाइए, लेकिन आपके दांत के ऊपर इतना असर नहीं होगा। तो अपन उस हिसाब से आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। अभी सबसे पहला एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखें कि जब भी हम कोई शुगर वाली स्वीट, चॉकलेट या मिठाई खाते हैं तो अपने मुंह में एक माहौल रहता है, वो कैसे रहता है, जनरली न्यूट्रल रहता है। पर ये खाने के बाद क्या होता है कि अपना माहौल मुंह में एसिडिक हो जाता है, और ये एसिडिक माहौल तकरीबन 10 से 15 मिनट मुंह में रहता है। तो इसके सबब क्या होता है, ये एसिडिक माहौल की वजह से कैविटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, कैविटी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जब जब ये माहौल क्रिएट होता है तो 10 से 15 मिनट एसिडिक वातावरण होता है। तो अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको 10 चॉकलेट्स खानी है तो अगर आप हर घंटे में एक चॉकलेट खाएंगे तो क्या होगा कि हर घंटे में वो 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपका माहौल, मुंह का माहौल एसिडिक होगा, जिसके सबब से कैविटी का प्रोसेस शुरू होगा। और अगर आप ये ऐसे 10 बार करेंगे तो 10 बार ये माहौल क्रिएट होगा। तो इसका सिंपल और सरल उपाय क्या है कि आप एक साथ में 3-4 चॉकलेट्स खा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो 10 टाइम खाने के बावजूद दिन में 2 बार खा लीजिए, 3 बार खा लीजिए। तो पहली चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी आप कम कर लीजिए, बिकॉज क्या होता है, ये 10-15 मिनट हर घंटे में होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी दूसरा कंसेप्ट क्या रहता है कि अभी ये एसिडिक जो माहौल बनता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने मुंह में जो थूक का प्रमाण है उसके वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए कि चॉकलेट या मिठाई खा लेके थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, तो उसके सबब थोड़ा एसिडिटी कम हो जाएगा मुंह में। दूसरी चीज़ ऐसे कर सकते हैं कि पानी पीने के बजाय मुंह के अंदर अगर 1-2 मिनट अगर आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो उसके सबब भी अपना मुंह का पीएच जो रहता है एसिडिक से थोड़ा न्यूट्रल के पास चला जाएगा। और तीसरा उपाय क्या है कि जब भी ये थोड़ा मुश्किल है कि जब भी आप कोई चॉकलेट वगैरह खाते हैं या शुगर खाते हैं या स्वीट्स खाते हैं या मीठी चाय भी पी लेते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक एप्पल खा लीजिए, हो सके तो एक मैंगो खा लीजिए, पपैया खा लीजिए, या आप ऑफकोर्स केला भी खा सकते हैं, एक केला भी खा सकते हैं। तो जब जब ये पॉसिबल है तो आप ऐसा कर लीजिए, तो इसके सबब भी माहौल न्यूट्रल हो जाएगा और कैविटी का प्रोसेस फुल फ्लेज कैरी आउट नहीं होगा। अभी तीसरी चीज़ है कि जो भी चॉकलेट या मिठाई या कोई भी ऐसी चीज़ है जो अगर मुंह में रह जाती है तो वो आपको खानी नहीं है। बिकॉज क्या है कि उससे क्या होता है, सिर्फ फॉर एग्जांपल अभी चॉकलेट है, अगर आप चोको चिप्स खाते हैं या उसमें वो नट्स रहते हैं या अपने बोलते हैं ना बादाम रहती है, ऐसी जब चीज़ें जब रहती है तो क्या होता है कि वो मुंह में फंस जाती है। तो चॉकलेट तो चला जाता है पर साथ ही साथ ये प्रोडक्ट उसके अंदर रह जाता है, और वो दांतों के बीच में फंसने के सबब से क्या, कैविटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अभी लॉलीपॉप तो सबको बहुत पसंद है, हार्ड बॉइल्ड कैंडीज तो बहुत पसंद है। अभी लॉलीपॉप की खूबियाँ क्या है कि लॉलीपॉप को अपने को एक्चुअली चूस के खाना चाहिए होता है, पर अभी क्या होता है कि कुछ ही टाइम में क्या होता है कि अपन थोड़ा बोर हो जाते हैं, कंटाला आता है तो अपन तोड़ देते हैं। और जब भी हम लॉलीपॉप या ये ऐसी चीज़ तोड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसके सब पीसेस जो रहते हैं आसपास फंसना शुरू हो जाते हैं, और ये फंसने के वजह से क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैविटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सेम टाइप है हार्ड बॉइल्ड कैंडीज रहते हैं, कैंडीज है ये जो गोले रहते हैं वो नहीं खाना है, बिकॉज हाँ वो चूस के आप खा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुंह में तोड़ते हैं तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तीसरी अभी चौथी चीज़ क्या है कि अपने जो इन बिटवीन मील्स अपन जो स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स के टाइम पे है ना चॉकलेट खाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो रह जाता है स्नैक्स के साथ, इन बिटवीन नहीं खाना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रात के टाइम पे खाना खाने के बाद, डिनर के बाद कभी भी चॉकलेट नहीं खाना, बिकॉज क्या रहता है कि जो अपने मुंह में जो थूक बनने का प्रोसेस है वो रात के टाइम पे बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है।
तो क्या होता है कि मुंह में जो एसिडिक एनवायरनमेंट वो चॉकलेट के सबब क्रिएट होता है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है और कैविटी के प्रोसेस में वो बहुत काम में आता है। तो रात के टाइम पे डिनर के बाद बहुत लोग कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, भैया मीठा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है खाना खाने के बाद। तो आज के लेक्चर में अपने को क्या पता चला कि तीन चार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली। एक जो है कि जो चीज़ फ्रीक्वेंसी अपने को कम कर देनी है, जो चॉकलेट्स वगैरह मुंह में रह जाती है वो नहीं खानी है, हार्ड बॉयल्ड कैंडीज भी नहीं खानी है। और लास्ट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मिल्क चॉकलेट है, कोको इन मिल्क है ना, ये सब चीज़ें आप खा लीजिए, बिकॉज जो भी चीज़ मुंह में नहीं रहती है उससे कैविटी का प्रोसेस नहीं होता है। मैं हूँ डॉक्टर यूसुफ चुनावाला, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट और बैड ब्रेथ स्पेशलिस्ट, मैं पूना में प्रैक्टिस करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।